नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी टीवी इंडिया न्यूज। हम आपको इस समय की बड़ी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं कि उन्नाव से इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नवाबगंज विकासखंड के थाना आजगेन के आगे मुरेरपुर गांव में आज राजकुमार पाल सनाप मंगली के घर पर आज रात में अचानक बिजली गिरने से लगभग 200 भेड़ियों की जान चली गई, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस किसान का बहुत भारी नुकसान हुआ है। और इस किसान का आप देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं कि अचानक रात्रि के समय बिजली गिरती है और इसकी 200 भेड़ें जो बंधी हुई थी वो अचानक समाप्त हो जाती हैं। और ये जब जानकारी इसको मिलती है कि सुबह जब इसकी जानकारी मिलती है कि हमारी 200 भेड़ें थी वो नष्ट हो गई हैं और वो ख़त्म हो गई हैं, तो इसका किस तरह से आप देख सकते हैं कि रो रो कर बुरा हाल हो गया। और ये अचानक बिजली गिरी तो गिरी कैसे और ऐसी क्या समस्याएं रहीं जो अचानक बिजली गिरी और इसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा जिससे इसकी 200 भेड़ें थी वो भी आज नष्ट हो गई। और अब इसके पास कमाने खाने का जो जरिया था वो समाप्त हो गया और इसके पास जो भी धन संपत्ति थी आज वही जो भेड़ें थी वही सब कुछ था। अचानक रात्रि के समय ये बिजली गिरती है और इसका सारा का सारा कमाई जो है नष्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन भेड़ों की जाने गई हैं और आपको लाइव तस्वीरों में दिख रहा होगा कि अचानक ये आकाश बिजली गिरी तो गिरी कैसे और इन भेड़ों का इतना बुरा हाल हुआ तो हुआ कैसे। अचानक इसको जब पता लगता है तो इसके आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसके क्या समस्याएँ ऐसी रहें जो इसके पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ टूटा और इसकी सारी की सारी जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई। यही इसकी कमाने खाने की जो संपत्ति थी इन्हीं भेड़ों से इसका गुजारा होता था, इसी भेड़ों से इनका खाना खर्चा परिवार चलता था। लेकिन आज देखने वाली ये बात है कि अचानक इसके ऊपर इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ जो टूटा है। तो आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसके ऊपर पहाड़ टूटा है। तो आप देख रहे हैं सी टी वी इंडिया न्यूज़ देवेंद्र कुमार।